दोस्तों आज का क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन। अलाउड इलेक्ट्रिक डायपोल ट्रांजिशन पूछ रहा है। तो हमारे पास क्या सिलेक्शन रूल, मैंने देखो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, पहले भी क्वेश्चन कराए हैं। तो पहला सिलेक्शन रूल क्या कहता है, डेल एस बराबर जीरो होना चाहिए, या हम कह सकते हैं मल्टीप्लीसिटी है ना, सेम होनी चाहिए। मल्टीप्लीसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी तो ये डेल एस जीरो आएगा। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, डेल एल बराबर, ये क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स के लिए मैं बता रहा हूँ, क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, प्लस माइनस वन होना चाहिए। कंडीशन ये होती है कि जीरो से जीरो के बीच में ट्रांजिशन नहीं होगा। कब, जब डेल जे हमारे डेल एल क्या हो, जीरो हो, ठीक है। तीसरा रूल हमने क्या पढ़ा था, डेल जे जो है मेरे पास जीरो है और प्लस माइनस वन है, इसमें भी क्या कंडीशन थी, जीरो से लेके जीरो में ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए यदि डेल जे कितना हो, जीरो, ये है और ट्रांजिशन होगा। अब देखो इन्हीं रूल्स को हमें लगाना है, तो मल्टीप्लिसिटी सेम होना चाहिए, वो पूछ रहा है अलाउड क्या है, तो मल्टीप्लिसिटी सेम होनी चाहिए। देखो इसमें वन है तीन है, ये तो होगा ही नहीं, इसमें दो और दो ये हो सकता है, दो और दो मल्टीप्लिसिटी हो सकता है, इसमें तीन है पाँच ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो पहला हमने रूल लगाया, दूसरा कहता है डेल एल कितना होना चाहिए, जीरो और प्लस माइनस वन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ ध्यान से देखो, पी और डी है, ये एल का वैल्यू कितना है, वन है, और यहाँ एल का वैल्यू कितना है, टू है, तो डिफरेंस तो प्लस माइनस वन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। अच्छा यहाँ पर भी कितना है, दो है, यहाँ पर भी कितना है, वन है, यहाँ पर वन आ रहा है, यहाँ पर तो माइनस वन आ रहा था, और यहाँ प्लस वन आ रहा है डेल जे, तो ये मेरा आंसर क्या है, हो सकता है। लेकिन ध्यान देखो डेल जे क्या है, जीरो प्लस माइनस वन होना चाहिए, ये दो कंडीशन तो फिलफिल हो रही है। देखो यहाँ देखो पाँच बटा दो एक बटा दो, तो देखो पाँच बटे दो में से जब एक बटा दो हटाओगे तो आपके पास कितना आएगा, आंसर आएगा दो, जबकि डेल जीरो, तो जीरो और प्लस माइनस वन होना चाहिए, तो यानी ये उत्तर नहीं होगा, उत्तर होगा हमारे पास ये, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए।